हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पेन हेड रिविट बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उस पर दूरी क्या दर्शाई गई है। यहाँ से इसकी दूरी है 1.6 डी और यहाँ से इसकी दूरी डी और ये इसकी हाइट है 0.7 डी। और ये सिलेंडर वाला हिस्सा डी। तो सबसे पहले हम डी कुछ मान लेते हैं। डी हम मान लेते हैं 20 mm और इसका मान निकाल लेते हैं 1.6 डी इक्वल टू हो जाएगा। तो 1.6 डी डी की जगह 20 इक्वल टू 32 mm और यहां से इसकी हाइट 0.7 डी इक्वल टू 0.7 × 20 हो जाएगा 14 mm। अरे ये तो डी हमारे ही है 20। चलिए फ्रेंड्स, अब फिगर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच लेंगे, 3:1 का ये सेंटर लाइन खिंचाता है। सबसे पहले 10 mm इधर, 10 mm इधर एक पॉइंट लगा लेते हैं। फिर यहाँ से हम सिलेंडर वाले हिस्से की लंबाई 30 mm ले लेते हैं। फिर नीचे भी इसी प्रकार 10 mm इधर, 10 mm इधर दो पॉइंट लगा लिए। फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस तरह। अब नीचे जिस प्रकार ये बना यहाँ पर भी बना देते हैं। ये हम बना दिए और यहाँ से इसकी लेंथ है 1.6 डी, तो उसका आया है मान 32। तो हम यहाँ से 32, 16 उधर 16 इधर पर पॉइंट लगा लेंगे। सीधे लाइन खींच लेते हैं, 16 उधर 16 इधर, 32 mm पर पॉइंट खींच लिए और इसकी हाइट यहाँ से 14 mm पर एक डी मतलब 20 mm की लाइन खींचनी है। तो 14 mm पर यहाँ एक पॉइंट लगा लिए। फिर यहाँ से 10 mm उधर, 10 mm इधर एक लाइन खींचेंगे इस तरह। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे इस प्रकार। इसको हम मिला देंगे इधर भी उसी प्रकार, यह मिला देंगे। अब इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यहाँ से इसकी हाइट लंबाई इसकी 1.6 डी और इसकी लंबाई 1.6 डी। और ये 0.7 डी और ये भी डी है। ये कौन सा है रिविट? पेन हेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।